हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड 402 जो कि सीबीएसई कंप्यूटर का है, आईसीटी सब्जेक्ट का है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो उनकी बुक है, उनका जो चैप्टर 3 है दैट वन इज वर्ड प्रोसेसिंग, उसके कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे विद उनका आंसर कीज। सो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करूँगा जो कि यहाँ से पहले से अवेलेबल है। ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी यूज टू ब्रेक कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट टू वन और मोर सेंटेंसेस। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स का। विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ्स आप ब्रेक्स लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ वन में आपने लिख लिया कंप्यूटर के बारे में, पैराग्राफ टू में आपने लिख लिया लैपटॉप के बारे में। तो उसके लिए हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ पैराग्राफ जो ग्रुप है वो किस पर्टिकुलर टैब के अंदर अवेलेबल होता है। वो फिलहाल अवेलेबल होता है अंडर पेज लेआउट टैब। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट स्टॉप पोजिशन है टैब की वो कौन सी होती है, डेट वन इज 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी यूज टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑटोमेटिकली। अगर हम चाहें कि किसी भी पेज की टॉप पे कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट हम शो करना चाहें और चाहते हैं कि वो हर एक पेज पर आए, तो उसके लिए हम हेडर्स का यूज़ करते हैं। सेम ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अगर आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना है पेज के बॉटम पर ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हम फुटर्स यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडर्स एंड फुटर्स हैं, ये आपको लगाने भी आने चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल वगैरह होगा तब ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हेडर ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन इंसर्ट टैब। तो हेडर और फुटर ऑप्शन है ये फिलहाल हेडर एंड फुटर जो ग्रुप है उसके अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुटर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर हेडर एंड फुटर्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। तो जो फुटर ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, ये भी अंडर हेडर एंड फुटर जो ग्रुप होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर कस्टमाइज ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स विद मिनिमम इफेक्ट्स। तो उसके लिए हम स्टाइल्स का यूज़ करते हैं, इसमें बाई डिफॉल्ट इफेक्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, यू कैन ऑल्सो चेंज स्टाइल्स बाई यूजिंग डैश ग्रुप अंडर द होम टैब। उसके लिए स्टाइल्स ग्रुप होता है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने स्टाइल्स लिए होते हैं उनको आप कर सकते हैं चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट रेफर्स टू अ डैश इन द डॉक्यूमेंट। तो फिलहाल एक ये सैम्पल होता है ब्लैंक जो आप अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देंगे, जो भी उसका सैंपल होगा उसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर टेम्पलेट का पर्टिकुलर डिस्प्ले होगा। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन ए डैश, तो वो डिपेंड करता है टेम्पलेट पे, एंड कैन सेव यू डैश। तो उसके लिए आपका टाइम एंड एफर्ट सेव होंगे, बिकॉज ऑल द वर्क इट टेक्स टू डिज़ाइन द डॉक्यूमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। जो मैंने आपको बताया, जो उसका डिज़ाइन होता है उसमें पहले से वो सारा कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर डिज़ाइन किया था आपने, जस्ट उसमें अपना टेक्स्ट ही लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ, डैश एंड डैश ब्रेक्स कैन बी यूज टू सेपरेट डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स का हम यूज़ करते हैं इसमें, कि अगर आपने सेपरेट डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग पेज ब्रेक्स यू कैन क्रिएट डिफरेंट डैश। तो डिफरेंट हम पेज ब्रेक से हेडर फुटर क्रिएट कर सकते हैं, फुट नोट और नंबरिंग कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेक्शन ब्रेक्स कंट्रोल्स द डैश, ये फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंट की। कंटेंट डैश डैट डैश जो कि उसके आगे प्रोसीड करता है इट अंटिल इट रीचेज द अनदर सेक्शन। तो जब तक वो अनदर सेक्शंस पर जाएगा उससे पहले वो सारा कुछ जो भी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग देनी है वो तब तक प्रोसीड करता रहता है। नेक्स्ट, टू सी अ सेक्शन ब्रेक क्लिक द डैश ऑप्शन। सेक्शन ब्रेक को हम अगर देखना चाहें तो शो एंड हाइड ऑप्शन होता है जो कि आपके टैब के अंदर होता है, वो आप देख सकते हैं वहाँ से, जो पेज लेआउट टैब होता है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये मेनली हम यूज़ करते हैं होम में, वहाँ से भी इसको आप शो एंड हाइड देख सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक डैश इन फॉन्ट ग्रुप टू मेक फॉन्ट साइज लार्ज। अगर आपने फॉन्ट का साइज लार्ज करना है तो ग्रो फॉन्ट करेंगे। अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए
ऐसे यहाँ पर होता स्मॉलर, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा श्रिंक फॉन्ट, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टू रिमूव द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर, जो कि आपका फॉन्ट ग्रुप के अंडर अवेलेबल है अंडर होम टैब। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, ऑन सेलेक्टिंग डैश द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल लेटर। सो इसको हम सेंटेंस किस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो सी है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा बाय यूजिंग सेंटेंस केस। नेक्स्ट 19, ऑन सेलेक्टिंग डैश द फर्स्ट लेटर इन ऑल वर्ड्स ऑफ सेलेक्टेड सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर। जैसे मैंने लिखा वर्ड प्रोसेसिंग, आप चाहते हैं वर्ड का डब्ल्यू और प्रोसेसिंग का पी कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा कैपिटल ईच वर्ड केस, जो कि आपका होम टैब के अंडर अवेलेबल है। एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट डैश द डॉक्यूमेंट, सो डॉक्यूमेंट को हमने पर्टिकुलर पोर्शंस में पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। वाइल लिंकिंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इन टू द डॉक्यूमेंट फाइल्स, तो उसके लिए जो लिंकिंग है वो नहीं होगी, तो उसका आंसर जो फिलहाल यहाँ पर नॉट आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल से थोड़ा ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी। नेक्स्ट, रीडर्स ट्राइंग टू असेस द लिंकिंग ऑब्जेक्ट मस्ट आल्सो हैव डैश फाइल्स दैट फॉर्म्स द ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए यूज़र की डायरेक्ट एसेस होनी चाहिए कि उसको वो चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी उसने चेंजेस करना है वो कर सके, लेकिन उसके लिए उसको डायरेक्ट एसेस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिप आर्ट हेल्प इन मेकिंग अ डॉक्यूमेंट लुक डैश एंड डैश, तो क्लिप आर्ट की हेल्प से आपका डॉक्यूमेंट कलरफुल हो जाएगा और थोड़ा प्रेजेंटेबल होगा। नेक्स्ट, क्लिप आर्ट ऑप्शन है, ये अंडर किसके अंदर होता है, क्लिप आर्ट जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट 24, टू सर्च फॉर अ पिक्चर प्लेस द कर्सर डैश द टेक्स्ट, अगर आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आपका कर्सर है वो टेक्स्ट के पहले होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट टैब के एंड क्लिक पिक्चर, उसके बाद पिक्चर पर क्लिक करना होगा जो आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आफ्टर यू हैव इंसर्टेड द पिक्चर यू कैन रैप द टेक्स्ट बाय यूजिंग द डैश, तो उसके लिए आपको रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज करना होगा। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट या पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो जो आपका एडिटर है डेट वन इज वर्ड प्रोसेसर, उसके टॉप पर फॉर्मेट एंड डिज़ाइन नए टैब अवेलेबल हो जाते हैं, उनमें आप फॉर्मेट टैब में सेलेक्ट करेंगे रैप टेक्स्ट, तो उससे आपका जो भी टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा। नेक्स्ट, टू ओपन एन एबेडेंट डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डैश ऑन इट या डैश इट, तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना होगा उस पर्टिकुलर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट डैश बी प्रिंटेड, तो जो एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम प्रिंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू एम्बेडेड ऑब्जेक्ट इन ए डॉक्यूमेंट यू मे हैव ट्रबल ईमेल एक, बिकॉज हमें इसमें ट्रबल्स क्यों फॉलो या अपना फेस करते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली साइज, तो उसका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो इसमें इंक्रीज होता रहता है सिग्निफिकेंटली, तो इसलिए हम उसको ट्रबल शूटिंग जो प्रोसेस है वो इसमें फेस करते हैं ड्यूरिंग जब हम प्रोजेक्ट को एम्बेड करते हैं। नेक्स्ट, यू कैन इंसर्ट लाइंस बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, तो ये सारे ऑप्शंस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर होते हैं, ये सारे शेप्स या शेप ऑप्शन के अंदर होते हैं जो कि इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स जो कि लास्ट है, उसमें पूछा गया कि सिंबल ऑप्शन कौन से जो आपका टैब होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है, तो ये आपका सिंबल जो ग्रुप है उसके अंदर अवेलेबल होता है और ये इंसर्ट टैब के अंदर होता है, तो ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए अंडर सिंबल ग्रुप इन डैश टैब, तो उसके लिए आपको भी पता होना चाहिए कि इंसर्ट टैब के अंदर ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग और शॉर्ट में आपको आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 आइटम्स डैट कैन बी एडेड टू हेडर एरिया, हेडर एरिया में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, आइटम्स को वहाँ ले जा सकते हैं, वो आपने इसमें लिखना है। इसमें आप टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं, पेज नंबर ले सकते हैं, देन उसके बाद फाइल का नेम ले सकते हैं, डेट एंड टाइम ले सकते हैं, और भी हो सकता है वो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट्स, तो ये एक तो clipart.com है और आप देख सकते हैं सर्च करके, जिससे आपको ये क्लिप आर्ट्स के ऑप्शन वहाँ से मिल जाए और आप इसको वहाँ से क्लिप आर्ट्स को डाउनलोड कर सकें।
नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, ये आपने बताने इस क्वेश्चन में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट एनी थ्री वर्ड रैपिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो ये वर्ड रैपिंग ऑप्शंस कौन से होते हैं, ये आपने पर्टिकुलर देखना है जो मैंने आपको बताया कि जब आप वर्ड रैपिंग ऑप्शन का यूज करेंगे तो वहां से आपको, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, देर आर सो मैनी ऑप्शंस, तो आप उनमें से कोई भी थ्री ऑप्शंस का यूज कर लेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको उसी में से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग जो यूनिट थ्री है वर्ड प्रोसेसिंग, उसके फिल इन द ब्लैंक्स और उसके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स। सो इनको करके देखिए, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स का यूज़ करके अपने वर्क को ईजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।